सिक्स स्टेप्स जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, 1K सब्सक्राइबर्स हम इसे गेन कर सकते हैं, सब्सक्राइबर्स को गेन कर सकते हैं, ऐसे ज्यादा सब्सक्राइबर जो है वो आसानी से गेन कर सकते हैं। कैसे करते हैं आइए चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शुएब तारिक एंड यू आर वाचिंग माय YouTube चैनल रिसर्च विद शुएब बेस्ट। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि हम इंस्टेंटली 1K सब्सक्राइबर को विद इन 2 मंथ्स हम कैसे आसानी से जो है वो गेन कर सकते हैं। सो व्यूवर्स, मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे 1K सब्सक्राइबर आसानी से विद इन 2 मंथ्स जो है ना हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए 6 स्टेप्स चाहिए, जिसके जरिए हम आसानी से 1K सब्सक्राइबर को गेन कर सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अगर न्यू है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए रेड कलर की आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको नई से नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम बिना वक्त जाए कि अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम कैसे 1K सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं इंस्टेंटली। तो उसके लिए हमें 6 स्टेप्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हमारा YouTube चैनल जो है ना वो यूनिक होना चाहिए। अब यूनिक का मतलब क्या है कि हम YouTube चैनल का नेम वो वाला सिलेक्ट करें जो कि यूनिक होना चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल का नेम और कोई होना चाहिए। मैक्सिमम हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा चैनल नेम जो है ना वो यूनिक होना चाहिए। तो जब हमारा चैनल नेम यूनिक होगा तो व्यूवर्स हमारे चैनल्स को सर्च करेंगे, तो सर्च इंजन के अंदर हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर हमारा चैनल नेम सर्च हो जाएगा, जिसके जरिए व्यूवर्स को और जितने भी फ्रेंड्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आसानी से जो है वो चैनल जो है वो मिल जाएगा, जिसके जरिए वो क्या करेंगे चैनल तक आसानी से पहुँच पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा चैनल नेम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अब पढ़ते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हमारा जो YouTube थंबनेल होता है जो कि हम वीडियोस में यूज करते हैं, हमारा YouTube थंबनेल जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब YouTube थंबनेल हमारा अट्रैक्टिव कैसा होना चाहिए कि ये हमारा जो YouTube थंबनेल है, जैसे कि मेरा अपना YouTube थंबनेल है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, तो हमारा जो YouTube थंबनेल है अगर वो अट्रैक्टिव होगा तो व्यूवर्स जो है ना वो उस तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो जैसे जितने क्लिक्स मिलेंगे हमें उतने ज़्यादा हमें आसानी से व्यूज़ मिलेंगे, जितने ज़्यादा आसानी से व्यूज़ मिलेंगे तो उतने ज़्यादा हमारी वीडियोज़ जो है ना उसको लाइक किया जाएगा, उसको शेयर किया जाएगा और उसको सब्सक्राइब किया जाएगा। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा कि हमारा YouTube थंबनेल अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप हमारा ये है कि हमारी जो YouTube वीडियो का कॉन्टेंट होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा अथेंटिक होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब ये क्या चीज़ है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि जब भी हम कोई YouTube वीडियो बना रहे होते हैं तो YouTube के जो व्यूवर्स होते हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो चेक करते हैं कि आया कि हमारी वीडियो जो है वो एक्यूरेट है या अथेंटिक है या नहीं है। सो हमारा जो थर्ड स्टेप है वो यही है कि हमारी यूट्यूब का जो कॉन्टेंट होना चाहिए, जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका जो कॉन्टेंट होना चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए और अथेंटिक होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा एक्यूरेट होगा और जितना ज़्यादा अथेंटिक होगा तो उतने ही ज्यादा आपको व्यूज मिलने के चांसेस हैं, जितने ज्यादा व्यूज मिलेंगे तो उतने ज्यादा आपको लाइक्स मिलेंगे, जैसे जैसे आपको लाइक्स मिलते जाएंगे तो वैसे वैसे लोग जो है ना वो आसानी से आप तक रीच कर पाएंगे और रीच करने के बाद आपको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास फोर्थ स्टेप है। अब फोर्थ स्टेप क्या है कि हमारी वीडियो का जो कंटेंट है उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास एवरेज होनी चाहिए। अब एवरेज मींस टू से दैट अगर कोई आप टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, सपोज करें अगर स्टडी से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो स्टडी से रिलेटेड अगर वो टॉपिक है तो अगर आपका कोई टॉपिक सपोज कर लेंगे 15 मिनट्स तक उसको कवर अप हो सकता है आसानी से, तो आपको चाहिए कि आप अपने कंटेंट की जो लेंथ है वो मिनिमम 7 मिनट्स तक रखें। मींस कि आपके कंटेंट की लेंथ जो है वो कम से कम होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप एक्चुअल में जो आपके व्यूवर्स होते हैं वो कम टाइम के अंदर ज़्यादा नॉलेज जो है वो गेन करना आसानी से पसंद करते हैं। तो आपकी वीडियो का कंटेंट जो है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, उसकी लेंथ कम होनी चाहिए। लेकिन कुछ इसकी कंडीशंस जो है ना वो एक्सेप्शन है, किसी से मिसाल के तौर पर कोई अगर कोई टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी है जो कि 1 घंटे तक समझ आना चाहिए तो उस टॉपिक के लिए आप वीडियो की लेंथ जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिएगा कि आपकी वीडियो का कॉन्टेंट और उसकी जो लेंथ है वो होनी चाहिए मिनिमम 5 मिनट्स 10 मिनट्स, मींस की कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ज्यादा होंगे तो व्यूवर्स क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, इसलिए इसे अवॉइड करना चाहिए। फिफ्थ स्टेप हमारे पास ये है कि हमारा जो कंटेंट होना चाहिए वीडियो का वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, मींस कि इसमें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। सपोज करें अगर आप कोई टॉपिक जो है उसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं या किसी टॉपिक को आप समझाना चाह रहे हैं किसी को, तो आपको चाहिए कि आपका कंटेंट इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, मींस को उसको आसान से आसान तरीके के जरिए जो है वो हम समझा सकें। इसका क्या मतलब है कि हमारी वीडियो जो है जो भी देखे उसको जो है वो आसानी से समझ में आ जाए, जब आसानी से समझ में आ जाएगी तो वो
लाजमी आपकी वीडियो जो है ना वो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो हम आखिरी स्टेप जो कि हमारा सिक्स स्टेप है वो क्या है, वो सबसे आसान स्टेप है, आपने अपनी वीडियो को अदर देन यूट्यूब आपने सोशल मीडिया के ऊपर उसको शेयर करें, सच एज फेसबुक पे आप उसको शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं, ट्विटर के ऊपर शेयर कर सकते हैं, और भी इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं आप उसके ऊपर कॉन्टेंट को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब ने हमें एक शेयर का ऑप्शन दिया हुआ होता है तो हम शेयर का ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, और करेक्टली उसको यूज कैसे कर सकते हैं कि हम उसको अदर देन यूट्यूब सोशल मीडिया जो है उसको शेयर कर सकते हैं। सो ये भी एक लास्ट मेथड जो है ना वो बहुत ज़्यादा ईजी है कि आप अपने वीडियो के कॉन्टैक्ट को आसानी से दूसरों तक पहुँचा सकते हैं बाय यूजिंग सोशल मीडिया एप्स। सो गाइस, दिस इज ऑल द सिक्स स्टेप्स यूट्यूब के जरिए हम अपने सब्सक्राइबर्स को आसानी से गेन कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो के एंड पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।